नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदीप सिंह अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज एक फिर से नई वीडियो है। वीडियो है, मेरे कुछ फ्रेंड्स की भी कॉल्स आई थी और कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए थे सब्सक्राइबर्स के कि ब्रदर वहाँ पे वेदर कैसा है और उसके बारे में प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दे। इसीलिए आज मैंने फ्रंट कैमरे से नहीं, बाहर अपने घर से आया हूँ और पार्क में, और वहाँ आपको बाहर का आउटसाइड का जो व्यू है दिखा रहा हूँ और साथ में वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि यहाँ का वेदर कैसा है और कैसे यहाँ का माहौल है और ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये दोस्तों मेरे घर के बाहर एक पार्क है, वहाँ पे मैं आया था और वहाँ उस बिल्डिंग में मेरा अपार्टमेंट है, वहीं पे मैं रहता हूँ। और ये एक ट्रांसपोर्ट का मिनिस्ट्री का कोई बड़ा ऑफिस है और ये हमारे घर की बाहर जो पार्क है, ठीक है ना। ये अपने दोस्त है पाकिस्तान से, यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे मिल गए और उनसे भी बातचीत चल रही है, हाथ हिला रहे हैं। हाँ, और ठीक है। और ये ट्रैम जा रही है रोड पे, और ये जो बिल्डिंग है ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ बुकारेस्ट का मेन रेलवे स्टेशन है और मैंने इसीलिए यहाँ पे रहना बेटर समझा जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, कि यहाँ पे इजीली हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। यहाँ बसेस है, रेलवे स्टेशन की वजह से ट्रेन्स हर सिटी को मिलती हैं, ट्रैम्स चलती हैं और मेट्रो वगैरह हर चीज़ यहाँ पे चलती है। तो ये यहाँ से लेके इस बिल्डिंग से वहाँ तक ये पूरा रेलवे स्टेशन है। और वेदर की चलो बात करते हैं। वेदर जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखें धूप निकली हुई है, शायद आप देख पा रहे हैं सूरज, और इस टाइम 12-13 डिग्री के समथिंग कुछ टेम्परेचर है यहाँ दिन का, और रात का वही 1-2 डिग्री लाइक टेम्परेचर होता है। मौसम बिल्कुल साफ़ है। जैसे कि उन्होंने मुझे पूछा था कि हमें कौन कौन से कपड़े लेके आने चाहिए, कैसे कैसे, मतलब इस टाइम में वेदर की वजह से हमें ड्रेस चाहिए। तो आप लोग देख ही सकते हो कि मौसम साफ़ हो गया है। अभी 4 और 5 महीने बिल्कुल मतलब ठीक रहेगा मौसम, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और आप नॉर्मल ही कपड़े लेके आए, ज़्यादा कोई आपको ज़रूरत नहीं है कुछ लाने की, ठीक है। जैसे कि मतलब ज़्यादा गर्म कपड़ों का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ आपको भारी कपड़े लेके आने की। इसलिए आप लोग नॉर्मल ही अपने कपड़े लेके आएँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा वेट लेके आने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नेक्स्ट फिर से सर्दियां शुरू होंगी तो तब तक आप यहाँ पे अगर अभी आते हो तो तब तक आप यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग हर चीज़ बाय कर सकते हो। इसलिए अभी इतनी, जैसे बहुत से एजेंट्स लोग बोलते हैं कि आप मोटे कपड़े लेके जाओ, बड़े कपड़े लेके जाओ, ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इसलिए प्लीज़ आप अपने लिए 1 या 2 जैकेट्स जो आपको लगे नॉर्मली वही लेके आएँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको कपड़े लेके आने की। और मौसम बहुत अच्छा है, अभी बिल्कुल मौसम साफ़ रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई बिल्कुल बाहर सर्दी नहीं है, बाहर के काम में भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है जी। और ये यहाँ का बाहर का व्यू है, ये यहाँ की पुलिस है, ठीक है। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, गाड़ी में से कुछ शायद कुरियर वगैरह की कुछ सर्विसेज है, उसके लिए यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। ये मेन रेलवे स्टेशन का व्यू है, ये यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है। बहुत बहुत ही खूबसूरत शहर है बुकारेस्ट, बहुत ही ज़्यादा। ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस वगैरह जो जहाँ पे चलती है,
ठीक है जी, पब्लिक की यहाँ पे काफ़ी पब्लिक है जो, या मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आपको बुखारेस्ट बाहर बसेस के लिए टिकट और ये जो वहाँ पे वो जगह है वहाँ पे आपको हर तरह का कार्ड अवेलेबल हो जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना। ये जो, और ये पूरा बहुत अच्छा व्यू है, आप देख सकते हो। और मुझे होप है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। सो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हुई है, देखो कैसे अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे। हर चीज़ का कोई नियम है, अपने जैसे नहीं है कि कहीं भी कुछ भी खड़े करके भाग जाओ, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे सब गाड़ियाँ अच्छे से पार्क हुई हैं, और सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सो इतनी सी वीडियो थी दोस्तों, उम्मीद है अच्छी लगी होगी, हमारा शहर भी अच्छा लगा होगा आपको, और जहाँ पे पार्क में हम लोग बैठे हैं ये भी अच्छी लगी होगी आपको, ठीक है। बहुत ही साफ़ सुथरा वेदर है, ठीक है। इतनी सी बात करके मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और अपने जो भाई लोग हैं पाकिस्तान से उनके साथ थोड़ी बात करेंगे, ये अपने भाई लोग पाकिस्तान से हैं, जॉब के लिए यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं और मुझे मिले हैं, ठीक है। रखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।